नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है आपका प्रवर्धन प्रोपोगेशन, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रवर्धन क्या होता है। सबसे पहले प्रवर्धन होता क्या है, प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रवर्धन होता क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रवर्धन किसे कहते हैं। कि हम किसी भी विधि के द्वारा एक नया पादप तैयार करना, किसी भी विधि के द्वारा क्या करना, एक नया पादप तैयार करना, यहाँ पर क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है, प्रोपेगेशन कहलाता है। प्रवर्धन दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि पौधे का हम उच्च क्वालिटी के पौधे प्राप्त करने के लिए, क्या उच्च क्वालिटी के पौधे प्राप्त करने के लिए प्रवर्धन की क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, प्रवर्धन की क्रिया करते हैं। अब इसके अंदर प्रवर्धन की क्रिया होती है तो उसमें एक नया पौधा बनता है, और नया पौधा कैसा प्राप्त करते हैं, हम उच्च क्वालिटी का प्राप्त करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो निम्न गुणवत्ता का पौधा है, या तो हम बीज के द्वारा या फिर हम वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा क्या करते हैं, निम्न गुणवत्ता के पौधे को क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि निम्न गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता क्या होती है, निम्न गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आम के पौधे होते हैं, एकांतर फलन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आम के पौधों में क्या पाया जाता है, एकांतर फलन पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा हाइब्रिड किस्में, तो हाइब्रिड किस्में किस प्रकार तैयार की जाती है, जो आम के पौधे में एकांतर प्रवर्धन है वो कैसे रोका जा सकता है, तो ये क्या है, निम्न क्वालिटी है। कौन सी है, जो एकांतर फलन वाली है, निम्न क्वालिटी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक वर्ष फल आते हैं, एक वर्ष फल नहीं आते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रवर्धन, और प्रवर्धन में जो ये समस्याएं उत्पन्न होती है, इन समस्याओं का निराकरण करके उच्च क्वालिटी का क्या करेंगे, पौधा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर प्रवर्धन का मतलब होता है कि हम किसी भी पौधे का प्रवर्धन करना, यानी कि उसको एक नई जाति या एक नया पौधा तैयार करना जो निम्न क्वालिटी से उच्च क्वालिटी है, तो वो हमने तैयार किया है, वो क्या है, प्रोपेगेशन है। इसमें एक तो होता है बीज के द्वारा प्रवर्धन, और एक होता है वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन। कौन कौन सा प्रवर्धन हो गया, एक तो बीज के द्वारा प्रवर्धन, एक वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन। तो यहाँ पर बीज के द्वारा प्रवर्धन और वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन। तो यहाँ पर जो बीज द्वारा प्रवर्धन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, दोनों का हम साथ साथ पढ़ेंगे। देखो, कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में आप अध्ययन करो तो उसमें सबसे पहले यदि आपने अंतर ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया, तो इसका मतलब आपको वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट याद रहेगी। और यदि आप थ्योरी लिखी हुई है उसको रटने में लगे हो तो वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी। कुछ समय के लिए हालांकि याद हो सकती है वो चीज़, लेकिन लंबे समय तक, यदि लंबे रेस का घोड़ा बनना है आपको, तो हमेशा हर चीज़ को समझ के तैयार करो, क्या करो, समझ के। यदि समझ के तैयार नहीं करते हो आप, तो कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाएगी, आपके माइंड से डिलीट हो जाएगी। डिलीट जानते हो ना, किसी भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो वो वापस नहीं आती है, फिर हम उसको रिवाइज़ करते हैं तो फिर वापस से डालनी पड़ती है। तो बार बार डालने के बजाय आप एक ही बार डाल लो, इससे क्या होगा कि आपको बार बार पढ़ने की जो समय वेस्ट हो रहा है उसकी बचौतरी हो जाएगी, और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर बीज के द्वारा प्रवर्धन और वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन, इनमें अंतर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि बीज द्वारा कैसे पौधे तैयार होते हैं और वानस्पतिक भागों से कैसे कैसे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो प्रवर्धन का मतलब समझें आप कि नया पौधा तैयार करना बीज के द्वारा। जो बीज के द्वारा पौधा तैयार होता है उसे बीजू पादप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीजू पादप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीजू पादप कहा जाता है। इनकी जो बीज के द्वारा पादप तैयार किया जाता है उसे बीजू पौधा कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें,
तो बीज द्वारा पौधा तैयार करना सरल और आसान विधि है। सरल और कैसी है? आसान विधि है। सरल व आसान विधि है। कोई भी तैयार कर सकता है। बीज है आपके पास, भूमि में लगा दो, लगातार पानी डालते रहो उसमें, ऑटोमेटिक अंकुरित हो जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। तो यही तो है प्रवर्धन। क्या है? यही प्रवर्धन। सरल व आसान विधि है। बट लेकिन इसमें जो फलन होता है वो लंबे समय के बाद होता है। फलन लंबे समय बाद होता है। फलन का मतलब समझ रहे हो? फलन का मतलब होता है कि फल की जो क्रिया होती है, फल लगने की जो प्रक्रिया होती है, वो लंबे समय बाद होती है। कितने समय बाद में? लंबे समय बाद। जैसे यदि आप आज आम का पौधा लगाते हो, यानी कि आम का जो बीज द्वारा प्रवर्धन है वो करते हो, यदि बीज के द्वारा प्रवर्धन स्टार्ट करते हो आज, तो आज आपने भूमि में लगाया है, ठीक है, उसके बाद में वो अंकुरित होगा। लगभग 7 से 8-10 दिन में क्या हो जाएगा? वो अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। अंकुरित होने के बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर कम से कम 5 साल के अंदर वो क्या देगा? आपको फलन स्टार्ट करेगा। लेकिन हम वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन करके क्या कर सकते हैं? 1 साल के बाद ही फलन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें फलन की जो प्रक्रिया होगी वो कम समय में होगी, और इसमें क्या होगी? लंबे समय के बाद फलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यहाँ पर बहुभूमता की स्थिति में, बहुभूमता की स्थिति में, अब बहुभूमता की स्थिति किस किस में होती है? नींबू है आपका, जामुन है, इनमें क्या होती है? बहुभूमता पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है बहुभूमता? नींबू और जामुन, इनमें बहुभूमता होती है। जिसके कारण बहुभूमता की स्थिति के कारण क्या होता है? इसमें मात्र पादप के समान पौधे तैयार के कारण मात्र पादप के समान पौधे तैयार होते हैं। यहाँ पर आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि कौन सी स्थिति के कारण? बहुभूमता के कारण। लेकिन जो बीजू पौधे होते हैं वो मात्र पादप के समान नहीं होते हैं, मात्र पादप के समान नहीं होते हैं। किसके समान नहीं होते हैं? मात्र पादप के समान नहीं होते हैं। कौन से पौधे? बीजू पौधे, या बीज के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो मात्र पादप के समान नहीं होते हैं। बट लेकिन यहाँ पर कौन सी स्थिति में? बहुभूमता की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? बहुभूमता की स्थिति में किसके समान होंगे पौधे? मात्र पादप के समान होंगे। किसके समान होंगे? मात्र पादप के समान होंगे। ये चीज़ आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सी स्थिति में? बहुभूमता की स्थिति में नींबू और जामुन में जो पौधे तैयार होते हैं बीजू पादप के, वो मात्र पादप के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? मात्र पादप के समान होते हैं, यानी कि उसके समान गुणधर्म रखते हैं। लेकिन जो बीजू द्वारा बीजू पौधे होते हैं वो मात्र पादप के समान कभी भी नहीं होते हैं। तो इसको नोट लगाकर आप लिख सकते हो, इस चीज़ को आप नोट लगाकर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि जो बीजू पौधे होते हैं उनमें क्या पौधे मात्र पादप के समान होते हैं या नहीं होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं होते हैं। बट लेकिन अपवाद आ गया, अपवाद।
किस स्थिति में? बहुभुजता की स्थिति में नींबू और जामुन में क्या होता है कि मात्र पौधे के समान पादप तैयार होते हैं। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको? यदि आ गई तो कमेंट करके बताओ, नहीं आई तो भी कमेंट करके हमें बताओ, हम इसका सॉल्यूशन दोबारा आपको बताएंगे। यहाँ पर देखना, गौर से जानकारी प्राप्त करना, बीज के द्वारा, बीजू पौधे, बीज के द्वारा पादप तैयार बीजू पौधा कहलाता है। सरल और आसान विधि है, कोई भी बच्चा भी क्या कर सकता है, इसको लगा सकता है। बच्चे को कह दे इसको भूमि में दबा दो, फिर पानी डाल देते हैं, कुछ समय बाद में पौधा अंकुरित हो जाता है। फलन लंबे समय बाद होता है। फलन क्या होता है? लंबे समय बाद। क्यों? एक लंबी प्रोसेस है ये। कैसी प्रोसेस है? लंबी प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? लंबी प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या है? देखो, बहुभुजता की स्थिति में, बहुभुजता की स्थिति में क्या होता है? पौधे मात्र पादप के समान होते हैं। बहुभुजता की स्थिति में क्या होता है कि मात्र पादप के समान होते हैं। अब देखो, बीज के द्वारा जो पौधा तैयार किया जाता है तो उसमें आनुवांशिक सुधार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आनुवांशिक सुधार किया जा सकता है। मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ कि बीज द्वारा पौधे तैयार करते समय आनुवांशिक सुधार, कौन सा सुधार किया जा सकता है? आनुवांशिक सुधार किया जा सकता है। किसमें? केवल बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उन्हीं में केवल क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? आनुवांशिक सुधार, नहीं कि वानस्पतिक प्रवर्धन में आनुवांशिक सुधार नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? चलो, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है? और एक चीज़ और लिख सकते हो इसके बारे में, क्या? कि सरल विधि है। सरल तो लिखी दी, आसान है और कम खर्चीली है। कैसी है? कम खर्चीली कैसी है? कम खर्चीली विधि है। कैसी विधि है रे? कम खर्चीली विधि है। कैसी विधि है? कम खर्चीली। चलो, आपका जो बीज द्वारा पौधे तैयार करने की जो मेथड है उसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन सी उपयुक्तताएं पाई जाती है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है कि बीज द्वारा पौधा जो तैयार होता है वो बीजू पादप कहा जाता है और इसमें आनुवांशिक सुधार किया जा सकता है। सरल है, आसान विधि है। सरल है, आसान विधि है और कम खर्चीली है। कैसी है? कम खर्चीली। पैसे भी कम लगते हैं यहाँ पर। फिर फलन लंबे समय बाद होता है। इसकी जो विशेषता है वो है कि फलन की जो प्रक्रिया होती है वो लंबे समय बाद होती है। और इसके बाद में बहुभुजता की स्थिति में, कौन सी स्थिति में? केवल बहुभुजता की स्थिति में पादप मात्र पौधे के समान होंगे। जो पादप तैयार होंगे, जो संतति पादप तैयार होंगे वो कैसे होंगे? मात्र पादप के समान होंगे। अब कुछ को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि मात्र पादप होता क्या है, और यदि कोई जानता है तो हमें कमेंट करके बता सकता है कि मात्र पादप क्या है। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट हमारे इसका कमेंट करके बताता है कि मात्र पादप कौन सा होता है। और एक चीज़ इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसकी खोज कीजिए आप, संतति पौधा या संतति पौधा, इन दोनों के ऊपर आप चर्चा करके बताइए हमें कि संतति पादप कौन सा होता है और आपका ये आपका मात्र पादप कौन सा होता है। इसी के साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और नोट्सों के साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज़ भी चलेगी आपकी, जिसका आप आराम से आपका मूल्यांकन कर सकते हो, जिसमें कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, और आप हमें कॉपी भी चेक करवा सकते हो। ठीक है, केवल ऑनलाइन माध्यम से। किसके माध्यम से? ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, अब देखो, वानस्पतिक भागों के द्वारा परिवर्तन। वानस्पतिक भाग
देखो वानस्पतिक भागों के द्वारा जो प्रवर्धन की क्रिया की जाती है वो कौन सी होती है कि वानस्पतिक, वानस्पतिक मतलब वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब इसके अंदर वानस्पतिक का मतलब बीज के अलावा, इसके अलावा बीज के अलावा किसी भी पादप के किसी भी भाग से, पादप के किसी भी भाग से, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पादप के किसी भी भाग से, कोष्ठक में लिख सकते हो कि पादप के किसी भी भाग से जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती। देखो जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं वो तीन भागों में विभेदित होते हैं, जड़ तना और पत्ती। इन तीनों में से किसी के भी द्वारा, इन तीनों में से किसी के भी द्वारा, चाहे से जड़ के द्वारा नया पौधा तैयार हो जाए, चाहे से आपका तने के द्वारा कोई ऐसा पौधा तैयार हो जाए, और या फिर आपका पत्ती के द्वारा कोई पौधा तैयार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। कौन सा प्रवर्धन कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। परिभाषा आप यदि लिखना चाहो तो इसकी तो परिभाषा सीधी सी है कि बीज द्वारा जो पौधा तैयार होता है वो बीज पादप कहलाता है। और इसको और भी कह सकते हैं हम, बीज द्वारा जो प्रवर्धन है इसको हम लैंगिक विधि भी कह सकते हैं। कौन सी विधि कह सकते हैं, लैंगिक विधि। अब आपको एक चीज़ और तैयार करनी है इसके साथ साथ, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और डाल रहा हूँ कि लैंगिक विधि किसे कहते हैं, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो इतने दिनों से, पहले आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, और आप 12th में पढ़ रहे हो। तो लैंगिक और अलैंगिक विधि क्या होती है इसकी जानकारी भी आप हमें दोगे, किसके अंदर, कमेंट करके। फिर हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे दोनों ही चीज़ों की, किस किस की। देखो मैंने नोट डाउन कर लेना, मातृ पादप किसे कहते हैं, संतति पादप किसे कहते हैं, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ लिया आपने, 11th में पढ़ लिया आपने, और 12th में आप फिर पढ़ रहे हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पूछता हूँ, जिससे क्या होगा आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन है, लैंगिक विधि किसे कहते हैं, अलैंगिक विधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ये तैयार करके आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब जो वानस्पतिक भागों के द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, इसे बीजोपादप कहा जाता है। वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है तो वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि बीज के अलावा पौधे का जो बीज होता है उसके अलावा पादप के किसी भी भाग से क्या कर सकते हो, आप प्रवर्धन की क्रिया कर सकते हो। तो इसके द्वारा जो भी पौधा तैयार होता है वो क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो बीजो पौधा और ये वानस्पतिक प्रवर्धन कंप्लीट हो गया। अब आप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखो इसमें अनुवांशिक सुधार किया जा सकता है, जबकि इसमें अनुवांशिक सुधार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आया समझ में, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, आनुवांशिक सुधार किया जा सकता है जबकि आनुवांशिक सुधार नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ सरल व आसान विधि है, जबकि ये सरल और आसान विधि नहीं है, सरल व आसान विधि नहीं है। चाहे से सरल आसान विधि हो या ना हो, हमें समझने में सरलता और आसानी होनी चाहिए, ऐसे मेथड से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ, वैसे आप टाइम वेस्ट होगा लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी प्राप्त हो जाए तो अच्छा होता है। जो इसमें एक विशेष ध्यान दिया गया है कि इसमें
किताबें रटानी नहीं है, किताबें रटानी नहीं है। इस मेथड को जैसे आप जब आप ये क्लास लोगे तो समझोगे कि हाँ इसमें रटाया गया है या समझाया गया है इस टॉपिक में जो मैं बता रहा हूँ आपको इसमें। तो आप लोगों इसमें जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या किया गया है कि रटने के ऊपर जोर नहीं दिया गया है, समझाने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। यदि स्टूडेंट को यदि समझ में आ गया तो इसका मतलब वो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होगा, और यदि रटा लिया तो कुछ समय बाद में वो डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझा कर क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी, सीधी सीधी बातें, इनकी जो विशेषताएं हैं, बीजोपादप कहा जाता है, वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन होता है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। बीज द्वारा बीज पौधा, इसमें वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, यानी वानस्पतिक भाग कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ मैंने आपके पास दो क्वेश्चन भी डाले हैं, उनका भी आप ध्यान रखना। आनुवंशिक सुधार किया जा सकता है, जबकि इसमें आनुवंशिक सुधार नहीं किया जा सकता है। क्यों? लैंगिक विधि नहीं है, और लैंगिक विधि नहीं है तो लैंगिक विधि नहीं होने के कारण, लैंगिक विधि नहीं होने के कारण इसमें क्या किया जा रहा है, आनुवंशिक सुधार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो लैंगिक विधि होती है उसी में क्या होता है कि नर और मादा युग्मक बनते हैं, उन्हीं में हम डीएनए में जो काट छांट कर सकते हैं, जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं, उसी विधि में कर सकते हैं। जबकि मानसिक परिवर्तन में कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, जीनों का स्थानांतरण नहीं कर सकते, जीनों का स्थानांतरण नहीं कर सकते। तो आनुवंशिक सुधार इसमें नहीं किया जा सकता है। सरल व आसान विधि नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम खर्चीली, जबकि ये ज़्यादा खर्चीली होती है। कैसी होती है? ज़्यादा खर्चीली। वैसे उतना खर्चा तो नहीं आता है, लेकिन इसके बजाय ये ज़्यादा खर्चीली होती है, ठीक है। इसके बाद में लंबे समय के बाद फलन, जबकि इसमें क्या होता है, कम समय में फलन, कम समय में फलन की क्रिया शुरू, फलन की क्रिया शुरू। क्या हो जाती है? कम समय में फलन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद में बहुगुणता की स्थिति में, इसमें तो किसमें, बहुगुणता की स्थिति में मात्र पादप के समान होगा, लेकिन इसमें पौधा मात्र पादप के समान होता है, मात्र पादप के समान होता है, हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, मात्र पादप के समान रहेगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जब बहुगुणता की स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है, बहुगुणता की स्थिति होती है, उसी समय बीजू पौधा मात्र पादप के समान होगा, लेकिन वानस्पतिक प्रवर्धन में हमेशा ही मात्र पादप के समान होता है। किसके समान होता है? मात्र पादप के समान होता है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। देखो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वापस से रिप्ले करके आप इसको देख सकते हो। इसके बाद में देखो आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई है, बहन है, या आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में इससे आगे की चर्चा करेंगे कि बीजू पौधे होते हैं उनका, उनको कैसे तैयार किया जाता है, उनका प्रवर्धन कैसे होता है, कैसे उनमें आनुवंशिक सुधार किया जा सकता है, जबकि वानस्पतिक भागों के द्वारा कैसे कैसे प्रवर्धन किया जा सकता है।
आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्लास रेगुलर लेनी है। यदि क्लास रेगुलर नहीं लेते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और लगातार आप कमेंट करते रहिए हमें, हम भी आपके प्रति, जितने आप कमेंट करोगे जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा वो हम पूरा पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो वानस्पतिक प्रवर्धन है, बीज द्वारा कैसे पौधे तैयार होते हैं, कैसे उनमें समय लगता है, कैसे इसकी स्थिति अनुवांशिक सुधार कैसे किया जा सकता है, कैसे खर्चीली कम है, कैसे सरल आसान विधि है, अनुवांशिक सुधार कैसे किया जा सकता है, इसी प्रकार वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कलम विधि है, दाब है आपका, ठीक है, और ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है इसके अलावा आपका, तो इस प्रकार से, और कलम जो कलम है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन कर सकते हैं। तो इस तरह हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।